अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की टाइप्स को बाकायदे हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसका ताल्लुक सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 से है। याद रहे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर की पूरी डेरिवेशन को हमने वहाँ डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे YouTube चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर वन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नंबर टू, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो स्टेप अप कहलाती है और दूसरी टाइप कहलाती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोनों की डेफिनेशन को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टेप अप नाम से ही हमें पता चलता है, स्टेप अप नाम से ही हमें पता चलता है, अ ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ा दे, नाम से पता चल रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज को इंक्रीज कर दे, वो क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, गौर से सुनिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो क्या करता है? अ ट्रांसफार्मर विच डिक्रीजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज को क्या करता हो? डिक्रीज कर देता हो, वो क्या कहलाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ कुछ ये लिखा हुआ है ना, EPES NPNS, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा। तो मैं फराडे के फॉर्मूले से आपको समझाता हूँ। फराडे का जो फॉर्मूला था वो ये था, -N ∆φm/ΔT। ये फराडे का फॉर्मूला। फ्राइडे का फॉर्मूला ये कहता है कि ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होगी ना, उतना ज़्यादा क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये हमने पढ़ा था। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है, और ये माइनस साइन जो है वो लेंस लॉ को शो कर, ये लेंस लॉ जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है कि करंट हमेशा जो है वो अपने कोर्स के अपोजिट फ्लो करता है, और इस पर हमने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। तो लेंस लोगों को अगर अच्छे से समझना चाहता है तो वो लाजमी लेंस लो का लेक्चर जो है वो सिन बोर्ड टीचिंग की सेकेंड ईयर फिजिक्स की प्लेलिस्ट से जाकर उसको ज़रूर देखें। तो अब देखो होता क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर। जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि दो कॉयल होती है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर हमने पढ़ा था कि दो कॉयल हैं, प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करना है। दोनों कॉयल, गौर से सुनिएगा, दोनों कॉयल एक दूसरे के इतना करीब है, दोनों कॉइल एक दूसरे के इतना करीब हैं कि दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सेम होता है। दोनों कॉइल एक दूसरे के इतना करीब है, गौर से सुनिएगा, कि दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सेम होता है। मतलब हुआ ये कि ये जो फराडे का जो फॉर्मूला है, इसमें क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा, माइनस साइन देखो क्या है, डायरेक्शन के लिए। न्यूमेरिकल में कभी भी माइनस नहीं लिखना, आपको वहाँ क्या करनी होती है? कैलकुलेशन करनी होती है ना। तो न्यूमेरिकल करते वक्त फराडे के फॉर्मूले में माइनस का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, दोनों का क्या है? सेम है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के इतना करीब है कि दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सेम है। अब अगर इसको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो नंबर ऑफ टर्न के। जिसमें नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा होंगे उसका वोल्टेज भी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, EMF और नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान कौन सा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनिटी आएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगी प्रोपोर्शनिटी, इसको हटाया तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा होंगे उसका वोल्टेज क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। तब देखो हुआ क्या कि ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और दूसरा क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करता है? प्राइमरी से
सेकेंडरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या कर देता है, गौर से सुनिएगा, प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज बढ़ा देता है। डेफिनेशन अभी पढ़ी हमने। स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज कम कर देता है। ये था। और हमने कहा कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसका वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ये क्या कर रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ाना है, तो इसका मतलब इसकी जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वायर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो है, प्राइमरी सर्किट के मुकाबले में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी सर्किट के मुकाबले में सेकेंडरी टर्न के जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर ये स्टेप डाउन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी के मुकाबले में, गौर से सुनिएगा, स्टेप डाउन अगर है तो प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो कम होंगे। ये हो गया भाई, जहां ये मुंह खुल रहा है ना वो चीज ग्रेटर है। तो अब ये क्या हो गया, मुंह यहां खुल रहा है, इसका मतलब NP ग्रेटर है NS के मुकाबले में, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न क्या है, कम है। अब जो है वो ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करता हूँ, हमने डेरिवेशन जो की थी ना उसमें हमने कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी का जो आउटपुट है, सॉरी पावर जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ P बराबर है VI, P बराबर किसके, VI। इसमें V जो है वो वोल्टेज या EMF को शो कर रहा है, इसी तरीके से क्या हुआ, V को वहाँ में लेके चला गया, तो ये हो गया VI। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का जो पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, तो जब भी पावर, गौर से सुनिएगा, जब भी पावर सेम होता है उस वक्त करंट और वोल्टेज के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। जब भी पावर सेम होगा करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमने कहा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका करंट कम होगा जब पावर सेम होता है। याद रखना, मैं ओम्स लॉ की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, ओम्स लॉ वाले में देखना, उसमें रिलेशन बताएं कि कब डायरेक्ट रिलेशन होता है कब इनवर्स। तो यहाँ ये हुआ कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका करंट क्या होगा, कम होगा। तो अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा रहा है तो सेकेंडरी के अंदर करंट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एप्टीट्यूड का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिक्रीज बाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वो कौन सी चीज़ होती है जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कम कर देता है, वो करंट होता है। तो यहाँ हमने कहा कि ये सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब जो है ये सेकेंडरी का करंट क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो वोल्टेज को कम करता है, इसका मतलब सेकेंडरी के अंदर करंट को क्या कर देगा, वो सेकेंडरी के अंदर वो करंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फिर एप्टीट्यूड का सवाल है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो स्टेप ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं कर सकता, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज बाय ट्रांसफॉर्मर, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी दोनों में, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है करंट की वो ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं कर सकता। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है ना, तो उसमें क्या होता है कि हाफ वेव पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, हाफ वेव पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। और पाकिस्तान में जो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है ना अल्टरनेटिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। एक सेकंड में 50 मरतबा पॉजिटिव नेगेटिव, 50 बार पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये हमारा करंट होता है। तो 50 हर्ट्स जो है हमारे पास क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी क्वांटिटी है जो ट्रांसफार्मर चेंज नहीं कर सकता, तो आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्वांटिटी है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम कर देता है, वो क्या है, करंट है। कौन सी क्वांटिटी है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बढ़ा देता है, वो क्या है, करंट है। कौन सी क्वांटिटी है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ा देता है, वो क्या है, वोल्टेज। कौन सी क्वांटिटी है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कम कर देता है, वो क्या है, ES। तो हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है ना EP ES, तो मैंने आपको 2-3 और एक्स्ट्रा भी बता दिए। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे जो है वो यहाँ आप ये लिख दोगे। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो है ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि उसे मिस मत कीजिएगा। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत बार सवाल जो है वो एप्टीट्यूड में आते हैं, तो उन लेक्चर्स को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।